गाइस हम आ चुके हैं पित्र पर्वत। यहाँ पे पार्किंग वगैरह लगा दो बाइक की, या कार हो तो कार लगा दो। और यहाँ से फिर एंट्री होते हैं, सामने गेट है और ये साइड से एक कार का रोड भी है। और यदि सीधे आप चढ़ना चाहें तो सीढ़ियाँ भी वहाँ पे। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे ये हनुमान जी की मूर्ति, इन्हें पितृश्वर हनुमान जी बोलते हैं। तो ये गांधी गाइस, अभी मैं पित्र पर्वत आ चुका हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ से आप इधर साइड में रख दो, रखने के बाद आप जा सकते हैं आगे। और ये नीचे का नज़ारा है, नीचे जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ से दर्शन करके प्रसाद वगैरह ले लो और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है। तो अभी तो मैं आपको इधर नीचे ग्राउंड में खड़े होकर बता रहा हूँ, इधर से इसके ऊपर जाने का भी मैं अभी पूरे चलूँगा, ऊपर भी चलेंगे। सामने ग्राउंड है, इधर पीछे भी खाली एरिया है जहाँ से आराम से आप बैठ सकते हैं थोड़ी बहुत देर, और इतनी देर भी बैठना चाहे। तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर से आपको मैं नज़ारा दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसके अंदर मतलब एक मतलब रस्सी वगैरह बंधी हुई है, तो उसके पास नहीं जा सकते, मूर्ति को टच नहीं कर सकते, दूर से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। और इधर सामने से स्टील की रेलिंग लगी हुई है, तो वहाँ पर भी नहीं खड़े होना है क्योंकि स्टील रेलिंग टूट सकती है, दूर से फोटो वगैरह लें। और सावधानी से बोए खाने बिचारी, इसको इतनी भूख लग रही है। ये देखो क्या खा रही, बहुत तेरे पोहे बना के ले आई। देखो पितृ पर्वत इन पोहे बना के खा रही है।